नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम धमाका पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट हैं साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मायोपिक आंख को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अवतल लेंस ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ओरम है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? ओरम है सोना का लैटिन नाम। नेक्स्ट है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो AU है सोना का रासायनिक प्रतीक, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, AU। नेक्स्ट है, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? तो उदासीन होती है शुद्ध जल की प्रकृति, कैसी होती है? उदासीन। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है रासायनिक पदार्थों का सम्राट, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, 7 से अधिक, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7 से अधिक सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिरके में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एसिटिक अम्ल बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकांड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण, सी रहेगा राइट आंसर, माइटोकांड्रिया सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, दोस्तों किससे आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है कोशिका विभाजन क्रिया? तो सेंट्रोसोम से आरंभ होती है, कहाँ से? सेंट्रोसोम से आरंभ होती है कोशिका विभाजन की क्रिया, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, सेंट्रोसोम डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है यूरेसिल? तो आरएनए में पाया जाता है, किस में? आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आरएनए डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है ओसिन, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कवक विज्ञान के जनक कौन है? कवक विज्ञान के जनक बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो माइकेली हैं कवक विज्ञान के जनक, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, माइकेली ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया कौन सी है? तो चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है अंतःप्रासरण। क्या है? अंतःप्रासरण है, तो बी रहेगा राइट आंसर, अंतःप्रासरण बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर रोग होता है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कैंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग
चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है चर्म रोग, ठीक है ना। चर्म रोग होता है विटामिन B6 की कमी के कारण, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन B6 बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है T3A, T3A है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, T3A ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बिट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एप्पल क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, एप्पल क्या है? तो एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? तो मिस्र में हुआ माना जाता है रसायन विज्ञान का विकास, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, मिस्र में ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट किसके कारण रंग बदलता है? वर्ण की लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वर्ण की लवक, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो सीसा में बदल जाते हैं अंतिम रूप से, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ट्राइटियम डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, किसके समस्थानिक पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में? तो पोलोनियम के पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोलोनियम सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी? तो ब्रोंकाइटिस जो रोग है, जो बीमारी है, ये प्रदूषण के कारण या तो हो जाती है या फिर अगर पहले से है तो बढ़ जाती है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को, सी रहेगा राइट आंसर, द्रव नाइट्रोजन में सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जो टीबी रोग है इनमें से जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टीबी। नेक्स्ट, एंजाइम किस में नहीं होते? एंजाइम किस में नहीं होते? तो वायरस में नहीं होते हैं एंजाइम, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एंजाइम किस में नहीं होते हैं? वायरस में नहीं होते हैं, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हवा की वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो परम आर्द्रता कहते हैं हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, परम आर्द्रता डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो नायलॉन था मानव निर्मित प्रथम रेशा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नायलॉन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? तो 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? वायु रेट देता है, क्या देता है? वायु रेट, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वायु रेट। नेक्स्ट, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी है? तो रेडोन है,
रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस, तो बी रहेगा राइट आंसर, रेडोन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, तो किसी के द्वारा देखा गया था नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से, तो स्ट्रासमन के द्वारा देखा गया था, किसके द्वारा, स्ट्रासमन के द्वारा, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्ट्रासमन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है, इनमें से किस मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है जस्ता, तो कांसा में उपस्थित नहीं है, किसमें, कांसा में, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कांसा बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन सा है, तो परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है सर्वाधिक, तो हाइड्रोजन है, सी होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, तड़ित चालक निर्मित होते हैं, किससे निर्मित होते हैं तड़ित चालक, तो तांबा से निर्मित होते, किससे, तांबा से निर्मित होते हैं तड़ित चालक, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, तांबा से, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, कहाँ से कहाँ, कांच से गुजरने पर क्या होगा, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कांच से, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर क्या है, तो दोस्तों एक है, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एक बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, तो दूध से मिल सकता है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दूध डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो बीसीजी का जो टीका है टीबी के, टीबी रोग के विरोध में लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है किस अंग की, तो दोस्तों ये आंखों की बीमारी है, किस अंग की बीमारी है, आंखों की बीमारी है एस्टिगमेटिज्म, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, आंखों की बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो विटामिन एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज है हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन एवं खनिज, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, किसको विक्षेपित करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित करता है, अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित करता है एक चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अल्फा एवं बीटा कण, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है घाव भरने में सहायक, ठीक है ना, विटामिन सी होता है घाव भरने में सहायक, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे, वेदन क्षमता अधिक है, तो गामा किरणों की जो वेदन क्षमता है वो अधिक है इनमें से, तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सूर्य में ऊर्जा पैदा होती है हाइड्रोजन के संलयन से, किस अभिक्रिया से, किस प्रक्रिया से, हाइड्रोजन के संलयन से, तो सी रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन का संलयन, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है ना, तो तरंग दैर्ध्य घटती हैं, क्या होता है, तरंग दैर्ध्य घटती हैं, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, मोस्ट सीवियर क्वेश्चन है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाश तंतु, ठीक है ना। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो सौर सेल बदलता है, सौर सेल सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। डायनेमो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो दोस्तों 1.5 × 10 केल्विन, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है सूर्य के केंद्र का ताप, ये रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो ये होता है 2×10⁻⁶ N/m² होता है सूर्य के केंद्र का ताप, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, किस पर आधारित है परमाणु रिएक्टर? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है नाभिक परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? नाभिक विखंडन पर, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, परमाणु बम आधारित है, तो किस पर आधारित है परमाणु बम? अनियंत्रित नाभिक विखंडन पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाभिकीय संलयन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस सिद्धांत पर? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेडियम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है रेडियम? तो रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से, किससे? पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है रेडियम, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। पिच ब्लेंड सी होगा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है, कवक द्रव्य की जो कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य अस्थि वृद्धि प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? वृद्धि हार्मोन से प्रभावित होती है, विटामिन ए से और विटामिन डी, यानी इन सभी से प्रभावित होती है, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मछली में शक नहीं होते, इनमें से किस मछले में शक नहीं होते? तो कैटफिश में, कैटफिश में शक नहीं होता, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कैटफिश सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, कौन सा है? शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, शुतुरमुर्ग डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चाय के लाल कीट की जो बीमारी है, चाय के लाल कीट की जो बीमारी है, रस्ट जो बीमारी है, ये इनमें से किससे होती है? तो हरे शैवाल से होती है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हरा शैवाल। नेक्स्ट है, लिटमस निमन से मिलता है, इनमें से किससे मिलता है लिटमस? लिटमस मिलता है लाइकेन से, किससे? लाइकेन से मिलता है लिटमस, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लाइकेन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक एम्पिसिलिन एक अर्ध संश्लेषित दवा है, क्या है? अर्ध संश्लेषित दवा है प्रतिजैविक एम्पिसिलिन, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अर्ध संश्लेषित दवा डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मलेरिया के उपचार दवा का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो सिनकोना वृक्ष, सिनकोना वृक्ष है मलेरिया के उपचार दवा का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, सिनकोना वृक्ष बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस रोग है, किस अंग का रोग है सिलिकोसिस रोग? तो ये फेफड़ों का रोग है, किसका रोग है? सिलिकोसिस फेफड़ों का रोग है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फेफड़ों का सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, क
क्लोरोफिल में, हरित अलवक में, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो डी रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरी कमल, फास्फोग्लिसरी कमल है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फास्फोग्लिसरी कमल ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम आवश्यक नहीं है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, सोडियम ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे है? दोस्तों सेब से है अग्नि निर्जा रोग का संबंध, ए रहेगा राइट आंसर सेब, ठीक है। अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे? सेब से है, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैदराबाद डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? किससे है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से है हाइड्रोपोनिक्स का संबंध, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, किससे की जाती है? तो ये ऑक्सीजन की घोली हुई मात्रा से की जाती है नदियों में जल प्रदूषण की माप, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन की घोली हुई मात्रा से डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों इंटेमोलॉजी कहलाती है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, सी रहेगा राइट आंसर, इंटेमोलॉजी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? जी हाँ, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो कुटपाद है अमीबा का प्रचलन अंग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुटपाद सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दवा बनाने के काम आता है, क्या काम आता है दवा बनाने के? तो बेंजोई कमल काम आता है, बेंजोई कमल काम आता है दवा बनाने के, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, बेंजोई कमल ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है, कहें पुणे में स्थित है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पुणे में। नेक्स्ट है, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है, ठीक है ना, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो कंपोस्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कंपोस्ट ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है, इनमें से कौन सी धातु काम आती है विद्युत चुंबकों में? तो नरम लोहा काम आता है, क्या? नरम लोहा, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, नरम लोहा ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है? तो निकोटीन है सबसे पुराना कीटाणुनाशी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। सबसे पुराना कीटाणुनाशी निकोटीन है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रासायनिक तौर पर जल क्या है? रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो एक ऑक्साइड है रासायनिक तौर पर जल, बी रहेगा राइट आंसर, एक ऑक्साइड बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लिंट कांच में होता है, क्या क्या होता है फ्लिंट कांच में? तो फ्लिंट कांच में होता है लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट होता है फ्लिंट कांच में, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लेड कार्बोनेट। नेक्स्ट,
पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? परभाजी आसवन प्रक्रिया अपनाई जाती है पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में। प्राय सी रहेगा राइट आंसर परभाजी आसवन। नेक्स्ट है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन है? तो फोटोन है सबसे कम द्रव्यमान वाला, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फोटोन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोह अयस्क लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? तो अपचयन प्रक्रिया से होता है लोहे का उत्पादन, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो बेंजोइक अम्ल है जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, बेंजोइक अम्ल ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है डोलोमाइट? तो मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट, किसका है? मैग्नीशियम का है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? अपचयन शामिल है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में, तो बी रहेगा राइट आंसर, अपचयन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? कितने समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के? तो कुल तीन समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, सी रहेगा राइट आंसर, तीन। नेक्स्ट है, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो बेंजोइक अम्ल है खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में काम करने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है फोटोग्राफी में काम करने वाले हाइपो का रासायनिक रूप, तो बी रहेगा राइट आंसर, सोडियम थायोसल्फेट। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।